प्रयागराज की पारंपरिक घोड़ों की दौड़ जिसको की गहरे बाजी के नाम से भी जाना जाता है सावन के सोमवार को पारंपरिक तरीके से मनाया गया। बताया जाता है कि यह परंपरा राजा हर्षवर्धन के जमाने से चली आ रही है। लगभग 200 वर्ष पुरानी परंपरा आज भी उसी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसमें कई नस्लों के घोड़े भाग लेते हैं। परंपरा का मुख्य उद्देश्य घोड़ों की खूबसूरती से लेकर के उनकी चाल टॉप और उछाल को आता जाता है, जिसमें कि पुराने बुजुर्गों जो कि इस परंपरा के पहले से साक्षी रहे हैं वो जज की भूमिका निभाते हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते यह परंपरा नहीं हो पा रही थी, मगर इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ इस परंपरा को फिर से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से उनकी मांग है कि इस परंपरा को निरंतर चलाए जाने के लिए सावन के किसी भी सोमवार को एक दिन 1 घंटे का समय निर्धारित किया जाए और जिसकी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाए तो यह परंपरा और भी अलौकिक व भव्य तरीके से मनाई जा सकेगी। पिछले 200 वर्ष पुरानी यह परंपरा प्रयागराज की पहचान है, जिसे गहरे बाजी का नाम दिया गया है और बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं एवं कई आसपास के जिलों के घोड़ों के शौकीन अपने घोड़ों को इस परंपरा में सम्मिलित करते हैं। काल पुरानी परंपरा है कम से कम लगभग, और इसका ये उद्देश्य ये है कि लोग सावन के महीने में दर्शन करने जाते थे, शंकर जी का त्यौहार है, वहाँ से लौटते थे तो ये टेलियरगंज से किला फोर्ट तक घोड़ा हाँकते हुए आते थे, अपना सब पब्लिक देखती थी। उसके बाद ये टेलियरगंज से कमिश्नर चौराहा लल्ला मोड़ तक, जब से वहाँ रिफ्यूजी आ गए, मिलिट्री आ गई, तब से ये परंपरा यहाँ चालू हो गई है। तो मेडिकल चौराहे से और सीएमपी गेट तक। तो क्या क्या किस तरह से चयन होता है, इसमें क्या दिखाते हैं घोड़े? घोड़े के चाल देखा जाता है, सरपट अलग होता है, कदम अलग होता है, एक सिंधी चाल बोला जाता है वो अलग होता है। तो जिनके घोड़े सिंधी चलते हैं वो फर्स्ट, और स्पीड देखा जाता है कौन कितने स्पीड से चल रहा है। इसमें खास बात यह भी है कि घोड़ों के अलग अलग तरह के नाम भी रखे जाते हैं, जैसे कि भूकंप, रॉकेट, मिसाइल। इस बार रफेल नाम के घोड़े ने धूम मचाई है। जैसा कि आपको ज्ञात करा दें कि भारतीय सेना में रफेल के शामिल होने के बाद घोड़े का नाम भी रफेल रखा गया था। अरे अब जैसे हमारे घोड़े का नाम मैं विष्णु महाराज बोल रहा हूँ, रॉकेट नाम था, और ये बटे आलम के घोड़े का कन्हैया नाम है, और लाल जी यादव के नाम का तूफान या क्या हाँ भूकंप नाम का, ऐसे जब अपना नाम रखे हैं और बादल रखे हैं। अच्छा, इस स्पर्धा को कहते क्या है, किस नाम से प्रसिद्ध है ये? ये सावन, सावन के महीने में हाँ हर वर्ष होता है ये। तो उस बार पिछले बार वो कोरोना की वजह से परंपरा यहाँ लोग नहीं आए, पुलिस आने नहीं दे रही थी, गिरी नहीं लगा दे रही, और हमारा ये मीडिया के माध्यम से है कि साल भर में एक मरतबा आता है, 1 घंटे के लिए परमिशन मिल जाए, केवल 5 से 6 बजे तक। कितने घोड़े शामिल हैं आप आज? अरे अभी तो 15-20 घोड़े आ गए, पिछली मरतबा कम आए थे, अगली मरतबा और ज़्यादा आने की संभावना है। जो घोड़े मिर्जेपुर से आए हैं कुछ इनाम उनाम भी घोषित हो रहा है? कुछ उसमें ना इनाम उनाम कुछ नहीं। अब जब अगर बंद हो जाए तो एक कमेटी बनी हुई है, वो अपनी तरफ से कार्ड शील्ड वगैरह दे देते हैं लोगों को।